मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही पॉपुलर गुजराती रेसिपी जिसका नाम है खमन ढोकला। इसे हम सभी पसंद करते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं। खमन ढोकला बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप बेसन, 1.5 टेबल स्पून सूजी, 2 पीस कटी हुई हरी मिर्चा, 2 इंच घिसा हुआ अदरक का टुकड़ा, 1/2 कप दही, 1 सैचे इनो, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चीनी, 1.5 टेबल स्पून तेल और 1/4 कप पानी। और तड़का के लिए हमने लिया है 1.5 टीस्पून राई, 3 टीस्पून कटी हुई धनिया की पत्ती, 2 चम्मच चीनी, 6 पीस हरी मिर्चा, 10 पीस करी पत्ता, 1 कप पानी और 2 टेबलस्पून तेल। चलिए अब हम इंस्टेंट खमन ढोकला बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बेसन लेंगे। बेसन को हम गहरे बर्तन में डाल देते हैं। अब इसमें हम दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसमें आप 1.5 टेबल स्पून सूजी डाल दीजिए और तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सूजी चाहे तो आप नहीं भी डालें, लेकिन सूजी डालने से ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब इसमें हम हरी मिर्चा डाल देते हैं, अदरक डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। लास्ट में हम इसमें तेल डाल देते हैं और अब सभी को घोल के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर तैयार हो गया है और इसे अब हमें बेक करना है। तो बेक करने से पहले इसमें हम इनो डाल देते हैं। हमने 1 पाउच इनो का यूज़ किया है। इनो डालने के बाद इसे हम जल्दी ही मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए हमारा बैटर जो है हल्का गाढ़ा भी हो गया है और बहुत ही फ्लफ़ी हो गया है। तो इसे लगभग हम 1 मिनट के लिए ही मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है। और हमने ये पैन को पहले से ही ग्रीस कर लिया है क्योंकि इनो डालने के बाद हमें हाथ को बहुत जल्दी चलाना है, हमें बैटर को बहुत देर तक नहीं रखना है, नहीं तो ढोकला स्पॉन्जी नहीं बनेगा। अब इसमें ये ढोकला का मिक्सचर डाल देते हैं, इसे हल्का सा टैप कर लेते हैं और इसे अब हम माइक्रोवेव में 4 से 5 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। हमारा ढोकला जो है 4 मिनट में ही तैयार हो गया है। अब इसे हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी है और इसे अब हम टूथपिक या नाइफ से चेक कर लेते हैं कि ढोकला हमारा अंदर तक पूरा पका है कि नहीं। ये देखिए हमने टूथपिक का इस्तेमाल किया है, ढोकला पूरी तरीके से पक गया है। अब इसके ऊपर हम तड़का लगाते हैं। तो तड़का लगाने के लिए हमने पैन में तेल को डाला है। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हम राई डाल देंगे। राई हमारी फूटने लगी है, जब राई पूरी तरीके से फूट जाए तब इसमें हम करी पत्ता और हरी मिर्चा डाल देंगे। हरी मिर्चा को हमने बीच से कट करके 2 टुकड़ों में कर लिया है। दोनों को लगभग कुछ सेकेंड्स के लिए हम सॉट कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डाल देते हैं। हमने लगभग 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है और पानी को अब हम बॉयल होने देते हैं। पानी जब हल्का बॉयल हो जाए तब इसमें हम कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे और चीनी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी को लगभग 2-3 मिनट तक उबाल लेते हैं। ये तड़का हमारा तैयार है। अब इसे हम ढोकला के ऊपर डाल देंगे। ढोकले के ऊपर हम तड़का को डाल देते हैं। मैंने ढोकले को पीसेस में कट नहीं किया है, आप चाहें तो इसे पहले कट कर लीजिएगा जिससे तड़का पूरी तरीके से अंदर तक चला जाएगा और ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। देखिए ढोकले ने चारों तरफ से तड़के को सोख लिया है। अब इसे हम अपनी इच्छा अनुसार पीसेस में काट लेते हैं। तो हमने इस तरह से पीसेस को कट कर लिया है और कट करने के बाद भी हमने थोड़ा सा तड़का ऊपर से डाल दिया है जिसे ढोकला अंदर तक पूरी तरीके से भीग जाए। ये हमारा इंस्टेंट खमन ढोकला बिल्कुल तैयार है। इसे आप रूम टेम्परेचर पर रख कर सर्व कर सकते हैं।